हेलो स्टूडेंट्स, तो ये देख भी रहे हो आपको, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग देख ही रहे हो बाहर क्या कंडीशन है, ठीक है ना। कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन है, तो आप लोग भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो अभी और कोई ऑप्शन तो है नहीं क्लास का, ठीक है। इंट्रैक्शन या क्लासरूम की क्लास तो चल नहीं सकती अभी, तो उसके लिए हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि क्लास 12th का क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है और हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है ना। आप में से कोई ऐसा बोल सकता है कि जब क्लासेज स्टार्ट होगी तभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखो ना कि क्या क्या पढ़ना है और 12th का सिलेबस क्या है। तो ये पहले है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ITF मीन्स हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा आपको चैप्टर जो पढ़ना मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट्स है। अब कैलकुलस मैंने यहाँ लिख दिया, कैलकुलस तो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, कैलकुलस में पहला टॉपिक हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा आपने बेसिक 11th में पढ़ा है, बट वो बहुत बेसिक था, तो हमें अभी पढ़ना है 12th में कैलकुलस। कैलकुलस में रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, फिर लिमिट आएगा, फिर कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, ओके। फिर क्या आएगा, फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको 5 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना, वो आपको आगे बताया जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनोसिटी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैक्सिमा मिनिमा आता है, और इसी में मीन वैल्यूज थ्योरम भी एक टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ तक पूरा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है ना। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, तो इंटीग्रल कैलकुलस में आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व या एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। एंड लास्ट टॉपिक होता है कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस का, वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये कैलकुलस जो यहाँ लिखा गया काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। इवन बड़ा टॉपिक क्या है, पूरा एक सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। वेक्टर एंड 3D, तो वेक्टर आप पढ़ोगे, 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो आपने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पढ़ा हुआ है 11th में, तो यहाँ पर आके स्ट्रेट लाइन और प्लेन का इक्वेशन आप पढ़ोगे 12th में, 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। फिर ये एक छोटा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर एक बड़ा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा सिलेबस। और आज जो हम लोग ले रहे हैं कैलकुलस का, जो कैलकुलस का एक छोटा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, तो ये आप लोगों ने 11th में तो पढ़ा ही है, ठीक है ना। तो बट 11th में थोड़ा बेसिक पढ़ाया जाता है, तो उसी को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो सब मैं ना डिस्कस करते हुए सिंपल एक फार्मूला ले रहा हूँ, और इसी फार्मूला पर ही हम लोग आज डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन यही क्यों कर रहे हैं, तो आज हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब जैसे आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, 2x आता है ना। तो अभी हम ये जानेंगे आज कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता कैसे, या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे आ जाता है, या टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कैसे आ जाता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग सब ये देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो आगे की क्लासेस होंगी वो सब डिफरेंशिएशन पर ही होंगे, ठीक है ना। तो अब कैलकुलस का आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और जब तक कि आपकी रेगुलर क्लासेज स्टार्ट नहीं हो जाती, वो ना तो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, ठीक है ना। अब वो जब तक, जब लॉकडाउन खुलेगा और गवर्नमेंट बोलेगी कि अब आप लोग क्लास कर सकते हो, तो फिर आगे हम लोग क्लास करेंगे। तब तक के लिए आप ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसको थोड़ा आप सीरियसली लो। बुक्स हर स्टूडेंट के पास है ना। तो आप थोड़ा सा यहाँ पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा आप बुक से देखो, और एक एक दिन अपना, आप घर पर बैठे हुए हो या कहीं भी रूम पर हो, घर पर हो, तो आप लोग बुक्स तो सभी के पास है, ठीक है ना। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज कर, क्योंकि टाइम तो हमारे पास उतना ही है। अब नेक्स्ट ईयर या तो अप्रैल में या मई में या दिसंबर में, जनवरी में, जब भी एग्ज़ाम होगा जेईई मेन का, हमारा फोकस तो वही है,
है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ बैठे होंगे, ठीक है, तो उनसे आप एक कदम तो आगे निकलो कम से कम, है ना। अब ये सच बात है कि जो भी आपका इंटरेक्शन, जो क्लास में इंटरेक्शन होता है, वो तो यहाँ मिलना पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में अब आप सामने तो बैठे नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप कुछ तो सीखोगे ना, तो इसको थोड़ा क्लास को आप लोग सीरियसली लो, और जो भी रोज वीडियो आपको जा रहा है आप उसको जरूर देखो, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन का आ जाएगा, है ना। तो जब तक क्लासेस नहीं चल रहे हैं, आप एटलीस्ट एक चैप्टर तो अच्छे से तैयार करो, और जो 11th का क्लास है आप लोगों का, जो आपको 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, कम से कम वो चैप्टर्स को आप रिवाइज करो, ठीक है ना। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अलजेब्रा से स्टार्ट कर सकते हो, तो अलजेब्रा में सब रिवाइज कर लो, जैसे प्रोग्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बायनोमियल थ्योरम है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इवन बायनोमियल थ्योरम तो मैंने रिवाइज भी कराया अभी स्पीच, है ना। तो आप उसको अच्छे से करो, ये जेई मेन है, टोटल 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एटलीस्ट आप अपना एम यही रखो कि हर वीक में मुझे एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है ना। जैसे अगर आपने एक वीक अच्छे से मेहनत किया और अभी आपको क्लास आना नहीं है, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है, ठीक है, कोचिंग से स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, बुकलेट है आपके पास, या फिर कोई बुक अगर आपके पास है तो आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो और एक एक चैप्टर तैयार करो। जैसे आपने बायनोमियल कर लिया अच्छे से, तो आपका एक प्रॉब्लम तो हो गया ना, आपने क्वाड्रेटिक तैयार कर लिया तो आपका एक प्रॉब्लम वहाँ से भी हो गया। तो टोटल 100 मार्क्स का मैथ्स है, तो उस 100 मार्क्स में एटलीस्ट हर वीक का आप ये टारगेट रखो कि हर वीक में मुझे एक प्रॉब्लम तैयार कर लेना, ठीक है। जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो रही, जब तक नॉर्मल कंडीशन नहीं आ जाता कि आप क्लास में आओगे, तब तो हम लोग वहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। अभी आप घर पर बैठे हो, ठीक है ना, तो आप लोग एक एक टॉपिक पढ़ो। अब ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपसे ये बोला गया कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर, और ये बोल रहे हैं कि आप इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये एन अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो एफ डैश एक्स आएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में हमें ये जानना है कि ये आया कहाँ से, ठीक है ना। हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करने जा रहे हैं, एक्स के पावर एन का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, अभी इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इसको भी हटा दो। तो एफ एक्स आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, ये है एक्स की पावर एन, ठीक है ना। और जो इसका फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो क्या है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डिवाइडेड बाई एच भी कर सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स प्लस एच है, देखो अगर एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, एक्स की पावर एन है, तो एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स प्लस एच से। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस एच की पावर एन हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एन आपका रियल नंबर है, माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच हो गया, ठीक है। अब हमें इसका लिमिट निकालना है, तो सॉरी ये एफ एक्स नहीं होगा, ये एक्स की पावर एन होगा, एक्स की पावर एन होगा, ठीक है। अब आपको सोचना है कि जो भी हमने लिमिट का फॉर्मूला जितना भी पढ़ा हुआ है,
क्या इसके जैसा कोई फॉर्मूला था, आपको यही सोचना है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला तो है हमारे पास कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और इसका वैल्यू क्या होता है एन ए टू द पावर एन माइनस वन। तो ये रिजल्ट हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर इसमें देख रहे हो तो यहाँ पर तो एक्स ए की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमें कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम एक्स प्लस एच को कुछ मान लेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि लेट एक्स प्लस एच इज इक्वल टू अल्फा मान लो, अल्फा मान लो, या कोई नया वेरिएबल वाई मान लो, आप वाई मान लो, अल्फा में प्रॉब्लम है तो आप वाई मान लो, ठीक है। तो एक्स प्लस एच को क्या मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं। अच्छा, अगर एच जीरो की तरफ जा रहा होगा, एच अगर जीरो की तरफ जा रहा होगा तो ये एक्स किसकी तरफ जा रहा होगा, वाई की तरफ, ठीक है ना। तो वाई किधर जा रहा है, वाई इज टेंडिंग टू एक्स। तो अगले स्टेप में इसको क्या लिख पाओगे कि लिमिट, अब एच टेंडिंग टू जीरो नहीं होगा क्योंकि आपने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, तो अब वाई किधर बढ़ेगा, वाई इज टेंडिंग टू एक्स होगा, वाई इज टेंडिंग टू एक्स, इसके जगह पर हो जाएगा वाई की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन। अब ये जो एच है, इस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एच को आप यहाँ पर ऐसे लिख दो कि दिस इज एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो एक्स प्लस एच को क्या लिख पाओगे, वाई लिख पाओगे, और ये एक्स तो एज इट इज रहेगा। अब ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है आपको, कुछ उसी के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो x a की तरफ जा रहा है, ये वाला x इसकी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये y किधर जा रहा है, x की तरफ जा रहा है, तो ये 0 बाई 0 बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n, देखो किधर जा रहा है ये x किधर जा रहा है, a की तरफ, और वही वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर y किसकी तरफ जा रहा है, x की तरफ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n x की पावर एन माइनस वन। तो ये यहाँ से वैल्यू आ, तो इसका जो डिफरेंशिएशन था, जैसे आपने एफ एक्स ये फंक्शन लिया, फिर से आप एक बार देख लो कि ये आपने बेसिक फार्मूला लिखा जिसके बेसिस पर हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं आज। फिर आपने लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, आपने एच को क्या लिख दिया, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। लेकिन जो लिमिट का फॉर्मूला है हमारे पास वो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो हमें क्या करना है कि इसको उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, x प्लस एच को यहाँ से y मान लिया। तो अभी ये क्या हो गया, ये y की पावर n माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई ये y माइनस एक्स हो गया। तो ये फॉर्मूला किसके जैसा हो गया, बिल्कुल इसके जैसा हो गया। और वहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, n a टू द पावर n माइनस वन, तो यहाँ पर आ गया n, और यहाँ पर a की पोजीशन पर क्या है, a की पोजीशन पर कौन है, a की पोजीशन पर x है, तो a के जगह पर x आ गया और पावर में n माइनस वन हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो गया। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम और लेते हैं इसी के बेसिस पर। जैसे मान लेते हैं कि आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसका डिफरेंशिएशन करो, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। सारे प्रॉब्लम्स में लिमिट का ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला, ठीक है ना। और आप लोगों ने लिमिट एलेवेंथ में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन गिवन है जिसका आपसे डिफरेंशिएशन, वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप निकालो, तो x प्लस एच कितना हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया लिमिट, एकदम ध्यान से देखो, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, यू वी मेथड है, यू वाई वी चेन रूल है, तो वो सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज अभी पहली क्लास में हमें सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ना है, और ये बहुत बेसिक बहुत सिंपल होता है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो गया।
अच्छा x, अगर एफ एक्स स्क्वायर रूट x है तो x प्लस एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस एच, माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा, वो तो गिवन ही है स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई h हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब h अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये तो जब h को जीरो करोगे तो ये स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x हो गया, और डिवाइड तो ये स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x कितना हो गया, जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर भी जीरो है तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया, मतलब लिमिटिंग फॉर्म बन गया, या आप बोल सकते हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, ठीक है। अब इसका लिमिट कैसे निकाला जाए, तो क्या आपने लिमिट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया था एलेवेंथ में, बिल्कुल सॉल्व किया था। अब इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई, ये एच तो एज इट इज रहेगा, और आप रेशनलाइज करने के लिए जो यहाँ माइनस साइन है आप प्लस साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच एंड प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब देखो जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो वो हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच और माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई एच, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इस x से ये x कैंसिल हो गया, अब जो बचा वो न्यूमरेटर में h बचा, तो उस h से अगले स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या करो आप h की वैल्यू ले जाके यहाँ पर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई, अब आप लिमिट की वैल्यू ये पुट कर रहे हो इसमें, तो ये h h कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से जब जीरो रखोगे तो ये कितना हो जाएगा वन बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो कितना हो गया वन बाई टू स्क्वायर रूट एक्स। तो आप जानते भी हो कि स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, वन बाई टू स्क्वायर रूट एक्स। अगर हम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन करेंगे फंडामेंटल मेथड से तो क्या आएगा वन बाई टू स्क्वायर रूट एक्स, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो, ठीक है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्योंकि ये फर्स्ट टाइम शायद आप पढ़ रहे हो, तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ए स्क्वायर रूट एक्स था, आपने इस फॉर्मूले में इसको रख दिया एज इट इज, ये आ गया जीरो बाई जीरो फॉर्म में, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, फिर आपने रेशनलाइज किया इसको, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के बाद ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का बन गया, फिर ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, फिर इस एच से ये एच कैंसिल हो गया, तो जो बचा उसमें आपने क्या किया एच के जगह पर जीरो रख दिया, तो जब एच के जगह पर जीरो रखा तो वन बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो वन बाई टू स्क्वायर रूट एक्स, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और देखते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ठीक है ना, तो थर्ड नंबर पर हम लोग ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है ना। और आपको पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं कैसे आएगा ये, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इसमें तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रॉब्लम में अप्लाई किया था अभी, ठीक है। चलिए अब अगर एफ एक्स ई की पावर एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच, और एफ एक्स कितना हो जाएगा माइनस
e की पावर x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अच्छा e की पावर x प्लस h को क्या लिख सकते हैं? अब देखो फिर से, ये जब आप h को जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो e की पावर x माइनस e की पावर x ये जीरो हो गया, और h को जीरो रखोगे डिनोमिनेटर भी जीरो हो गया, तो कौन सा फॉर्म बन गया? जीरो बाई जीरो फिर से बन गया। जीरो बाई जीरो का मतलब क्या हो गया कि ये लिमिटिंग फॉर्म बन गया फिर से, ठीक है। क्या किया जाए अब, हमें इसका लिमिट निकालना है, तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर x इंटू e की पावर h कर देंगे और माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय h हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाए, यहां से e की पावर x को आप बाहर कर लो, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर x जब कॉमन हुआ तो यहां से क्या बच गया, ये हो गया e टू द पावर h माइनस वन डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अच्छा अब आपको ये सोचना है कि जो हमने लिमिट पढ़ा था, क्या लिमिट में इसके जैसा कोई फॉर्मूला था, इसके जैसा कुछ, इसका स्टैंडर्ड लिमिट क्या आता है, ठीक है ना। फॉर्मूला तो था, तो क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x का वैल्यू वन आता था, ठीक है ना। इसका वैल्यू ये हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन था, x था, तो e की पावर x माइनस वन बाई x का वैल्यू वन आया। अभी यहाँ पर वेरिएबल कौन है, चेंज कौन हो रहा है, चेंज तो h हो रहा है, तो h टेंडिंग टू जीरो e टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x, तो ये जो इतना पार्ट है वो इसके जैसा हो गया, तो इसके जैसा हो गया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वन। तो जब इस पूरे का वैल्यू वन आ गया तो इसका ओवरऑल वैल्यू हुआ कितना, तो ये हो गया e की पावर x और ये पूरे का वैल्यू हो गया वन, तो कितना हो गया e की पावर x, ठीक है ना। तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन हो गया वो हो गया e की पावर x। तो हर मतलब हम लोगों ने तीन प्रॉब्लम किया और तीनों में देख के ये तो समझ में आ रहा होगा कि हमें लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट बस आना चाहिए और ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है ना, आप थोड़ा बुक से प्रैक्टिस करना और बाकी यहाँ से क्वेश्चन जाएंगे वो सब भी आप लोग सॉल्व करना, ठीक है ना। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ठीक है ना। जैसे फोर्थ नंबर पर ये मानते हैं कि जो फोर्थ नंबर है, मान लो e की पावर x को हटा के हम लोग अगर a की पावर x ले लें तो, ठीक है, जहाँ पर कि a आपका ग्रेटर दैन जीरो होगा एंड a इज नॉट इक्वल टू वन होगा, क्योंकि a की पावर x को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, a की पावर x डिफाइंड कब होगा, जब a पॉजिटिव होगा और a का वैल्यू वन के बराबर नहीं होगा, आप जानते ही हो, ठीक है। तो ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं कैसे आएगा, आप लोग भी पैरेलल करते रहो। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f x प्लस h माइनस f x डिवाइडेड बाय h, ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, अगर एफ एक्स ए की पावर x है तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर x प्लस एच, और एफ एक्स कितना हो जाएगा, वो तो ए की पावर x रहेगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपने ए की पावर x का अभी किया था डिफरेंट, सॉरी e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब e की पावर x इंटू ई की पावर h लिख सकते हो, ठीक है, e की पावर x तो किया है ना आपने अभी, तो इसको फिर से क्या डिटेल में जाना है भाई, e की पावर x इंटू ए की पावर h माइनस ए की पावर x, तो यहाँ से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, आप e की पावर x को कॉमन ले लो तो ये कितना हो गया, e की पावर h माइनस वन डिवाइडेड बाई h हो गया। अब ये ध्यान रखो कि इस h के रिस्पेक्ट में ये x तो वेरिएबल है नहीं, ठीक है, तो लिमिट का इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं,
इस लिमिट का, एच का इस पर तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं। ये लिमिट किस पर अप्लाई होगा? ये इस वाले पार्ट पर जहाँ पर एच आपका वेरिएबल है, ठीक है ना। अब ठीक है, लिखते हैं इसको। इज इक्वल टू ए की पावर एक्स को अलग कर लो इनटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच हो। अब आप सोचो कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपने लिमिट में पढ़ा था, ठीक है ना। तो बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है कि लिमिट एच टेंडिंग या लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने लिमिट में कि ई टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ये भी जीरो बाई जीरो ही आ रहा है ना। देखो एक्स को जीरो रखोगे तो ए की पावर जीरो वन हो गया, तो वन माइनस वन जीरो और ये भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या लिमिट आ रहा था? इसका लिमिट आ रहा था लॉग ए बेस ई, यही इसका वैल्यू आता है ना लिमिट में। तो अगर x टेंडिंग टू जीरो a की पावर x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू लॉग ए बी सी आ रहा है, तो h टेंडिंग टू जीरो a की पावर h माइनस वन डिवाइडेड बाई h का वैल्यू क्या आएगा? ये भी वही आएगा, लॉग a बेस e। तो यहाँ से a की पावर x तो इधर से आ गया, और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा? लॉग a बेस e। तो इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया भाई। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या है? ए की पावर एक्स लॉग ए बी सी, यही तो होता है ना डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और एक चीज और भी सोचो कि जितना भी प्रॉब्लम आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किया, सब में लिमिट का कोई ना कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज हुआ है। तो अगर मान लो आपको प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, तो जो आपने 11th में लिमिट पढ़ा हुआ है आप एक बार वहाँ से उसको रिवाइज कर लो एंड देन आप इधर, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं कि मान लो आपसे ये बोला गया है कि एक फंक्शन है एफ एक्स और इसका ये है लॉग एक्स बेस ई है, कब डिफाइंड होगा? जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f x प्लस h माइनस f x डिवाइडेड बाई एच। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला है, सब में यही किया है हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करोगे? एफ एक्स अगर ये लॉग एक्स बेसी है तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो गया? तो ये हो गया आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सॉरी लॉग एक्स प्लस एच बेस ई होगा माइनस एफ एक्स, तो वही फंक्शन फिर से आ जाएगा लॉग एक्स बेस ई डिवाइडेड बाय एच हो गया, ठीक है। अब फिर से आपको सोचना है कि क्या इससे रिलेटेड हमने कोई लिमिट में स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा होगा? भाई देखो, जब एच को जीरो रखोगे तो लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो जीरो बाई जीरो एक लिमिटिंग फॉर्म तो बन रहा है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक बन रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे a की पावर x था, तो a की पावर x प्लस एच को आपने a की पावर x इंटू ए की पावर h कर लिया, तो हर जगह पर तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ सोचते हैं क्या होगा, क्या लॉग का कोई फॉर्मूला था? तो देखते हैं क्या फॉर्मूला था। तो हमने कुछ ऐसा देखा हुआ है ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू किसके बराबर आता है? वन के बराबर, ये तो आपने पढ़ा हुआ, ठीक है ना। ये लिमिटिंग फॉर्म है, तो लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये बेस ई है, ध्यान रखना, इसका वैल्यू वन के बराबर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को कोशिश करेंगे, जैसे ये तो सिंगल लॉग है और यहाँ पर लॉग दो जगह पर दिया हुआ है, तो हमें अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले जाना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, इस लॉग को दोनों को एक करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम बाई एन होता है, बहुत सिंपल है ना। तो क्या लिख लोगे? इज इक्वल टू लिमिट
एस टेंडिंग टू जीरो, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाय एन हो गया, ठीक है ना। तो लॉग एक्स प्लस एच बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय एच हो गया, ठीक है, ओके। इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो लॉग, अब इस एक्सरसाइज को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा वन प्लस एच बाई एक्स बाई एच, ठीक है। जब ये एक्स टेंडिंग टू जीरो था तो ये वन प्लस एक्स बाई एक्स होना चाहिए था, तो जब यहां पर एच टेंडिंग टू जीरो है तो वन प्लस एच बाई एक्स अगर यहां है तो यहां भी तो एच बाई, इसको वन बनाने के लिए हमें एच बाई एक्स करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस एच बाई एक्स करके इसको यहीं इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। फायदा क्या हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास, तो ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो वन जब हो गया तो ये वन बाई एक्स आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, वन बाई एक्स। बहुत सिंपल है, वन बाई एक्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो हमने पांच प्रॉब्लम लिए और पांचों बहुत बेसिक लिया है, ठीक है ना, किसी भी बुक में ये मिल भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल था, इसको आप लोग करो, फिर हम लोग अगला पार्ट ले रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता कितना है, कॉस एक्स आता है, बट हमें जानना है कि वो कॉस एक्स आया क्यों, कैसे आया, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन जो भी हैं इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं तीन कर रहा हूँ, साइन टैन एंड सेक का, बाकी तीन आप लोग खुद से करना, ठीक है ना। तो चलो साइन का देखते हैं कैसे आएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, यही होता है ना, ठीक है। अब वैल्यू रखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ, सॉरी एफ नहीं, ये एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अगर एफ एक्स साइन एक्स था तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया, साइन एक्स प्लस एच, एफ एक्स फिर से वही आ गया साइन एक्स और डिनोमिनेटर तो एच है। अब देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कोई लिमिटिंग फॉर्म तो लगने वाला नहीं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, तो आप क्या करो यहाँ पर साइन ए प्लस बी से इसका एक्सपेंशन कर दो, साइन ए प्लस बी से इसका एक्सपेंशन कर दो, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। एक्सपेंशन करो तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एच माइन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच माइनस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, ठीक, ओके। अब ये आएगा कैसे, ठीक है ना। अब आगे क्या किया जाए, तो यहाँ पर अगर देख रहे हो तो ये अगर h को आप जीरो रखोगे तो ये cos जीरो, और cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो ये तो sin x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला भी sin x है, ठीक है। तो आप इस sin x और इस sin x को आप कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल करने के बाद बचेगा क्या, तो बचेगा ये cos x और ये sin h by h को आप एक साथ ले लो, ठीक है ना। भाई देखो ये तो लिमिटिंग फॉर्म है ही नहीं, जब आपने यहाँ से एच टेंडिंग टू जीरो किया तो ये कॉस जीरो का वैल्यू कितना आया, वन आया, तो जब ये वन आ गया तो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद बचेगा कौन, यही तो बचेगा, ये इतना,
और यहाँ से ये इतना बचेगा, ठीक है। तो अगर ये बचा तो फिर क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो cos x इंटू साइन एच बाई एच, और h टेंडिंग टू जीरो में ये आप इसको एक साथ कर लो, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता भी है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x बाई एक्स का वैल्यू कितना आता है, वन आता है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x बाई एक्स का वैल्यू वन आता है। तो अगर x जीरो है और साइन x बाई एक्स का वैल्यू वन आ रहा है, तो यहाँ पर h टेंडिंग टू जीरो साइन h बाई एच का वैल्यू भी तो वन आएगा। तो ये पूरे का वैल्यू वन हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया cos x। तो बचा कौन यहाँ से, cos x बचा। तो ये साइन x का ये डिफरेंशिएशन हो गया cos x, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम लोग साइन x का डिफरेंशिएशन cos x निकालते हैं, तो ये सारा स्टेप दिया हुआ है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से इसको देखो, ठीक है, और आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला ले, अगला लेते हैं, ठीक है ना। चलो एक और कर लेते हैं। सेवंथ नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा और ले लेते हैं फंक्शन, और इसको cos x ले लेते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो cos x हो चाहे sin x हो चाहे कोई भी फंक्शन, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिखा, और अब f x प्लस एच कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x प्लस एच माइनस cos x डिवाइडेड बाई एच हो गया। क्या करेंगे सोचो खुद से। अच्छा, अगर साइन एक्स में आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया तो इसमें कौन सी समस्या है, यहाँ भी कॉस ए प्लस बी का यूज कर दो, ठीक है भाई। साइन जैसा साइन वैसा कॉस, तो अगर साइन में आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया तो इसमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दो, तो क्या बन जाएगा ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो कॉस एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो इसमें भी कौन सी समस्या होने वाली है, अगर एच टेंडिंग टू जीरो करोगे तो ये कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। कॉस जीरो का वैल्यू तो वन होता है, तो जब कॉस जीरो का वैल्यू वन हुआ तो ये तो पूरा कॉस एक्स हो गया, हो गया ना, ये पूरा cos x हो गया, और ये वाला cos x है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना। तो कैंसिल होने के बाद लिमिट में जो बचेगा वो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन x साइन h डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ से साइन h बाय h का वैल्यू तो फिर से वन हो गया ना, हाँ, तो साइन एच बाई एच का वैल्यू वन हो गया। फॉर्मूला फिर से हमें वही जो अभी हम लोगों ने साइन एक्स का जो किया था, जो फॉर्मूला लिखा गया था, उसी की बेसिस पर एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई एच का वैल्यू वन होता है, तो वैल्यू कितना आ गया, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इसका वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अच्छा तो अगला प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं, क्या है ये, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया, कॉस एक्स का किया, अब टैन एक्स का देखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं टैन एक्स का कैसे होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपको पता है कि जो एफ डैश एक्स होगा ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, यही है। अब अगर एफ एक्स है टेन एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया, टेन एक्स प्लस एच हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना। तो कोई समस्या तो है नहीं इसमें, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे इसको, अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि इसको लिख लेते हैं कि इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो टैन एक्स प्लस एच को लिख लो साइन एक्स प्लस एच बाई कॉस, मतलब टैन को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस एच बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई एच। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो इसको, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये h तो रहेगा ही h और नीचे आ जाएगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स। कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ sin a cos b माइनस cos a sin b टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी टाइप का तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में आप क्या करो कि दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी। तो इसको हम लिख पाएंगे साइन ए माइनस बी का मतलब हो गया साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। आप लोग भी पैरल करते रहो इसको, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी ये x से x तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, साइन h बचा, ठीक है ना। चलो अच्छा अलग कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जो ये लिमिटिंग फॉर्म बन रहा है साइन h बाई h, इसको अलग कर लो। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h बाई h, इसको अलग कर लो, इंटू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो वन बाई कॉस x प्लस एच इंटू कॉस x इंटू कॉस x, ठीक है। तो ये साइन h बाई h का वैल्यू कितना हो गया, तो साइन h बाई h तो वन हो गया इसका वैल्यू, मतलब कैंसिल नहीं होगा। आप इसको मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि इसका वैल्यू वन होने वाला है, तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा। और फिर इस वाले केस में जब आप h को जीरो रखोगे तो ये cos x हो जाएगा और ये भी cos x हो जाएगा, तो ये तो पूरा वन है, तो वन तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं। तो इसको आप लिख सकते हो वन बाई cos x इंटू cos x, तो कितना हो गया वन बाई cos स्क्वायर x, वन बाई cos स्क्वायर x। अब ये वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये इसका वैल्यू हो गया। तो टैन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से टैन एक्स का इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। हाँ, एग्जाम में लिखना होगा तो आप यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिख दोगे कि ये आया कहाँ से, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, बस आपको वो लिख देना, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो अगला प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, अभी साइन कॉस टैन का आप लोगों ने किया, अब कुछ अलग टाइप का ये फंक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है या फिर साइन स्क्वायर रूट एक्स है या साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो सभी का ही करना है आपको, है ना। तो कुछ मैं कर रहा हूँ, एक साइन स्क्वायर एक्स में कर रहा हूँ अभी, और एक साइन स्क्वायर रूट एक्स का कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, यही है ना, ठीक।
अच्छा अभी जब आप ये फंक्शन को इसमें लेके आओगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर एच प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई एच। अब ये देखो फिर से जीरो बाई जीरो या लिमिटिंग फॉर्म बन गया। तो अब हमें सोचना है कि भाई क्या किया जाए, कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन न्यूमरेटर जो है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी टाइप का दिख रहा है हमें। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू कितना होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 11th। ठीक, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का ये फॉर्मूला होता है। तो जो न्यूमरेटर है उसमें हम लोग साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी यूज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यूज करके देखते हैं कितना आएगा। तो इज इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ओके, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी में एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, ओके, तो ये न्यूमरेटर हो गया डिवाइडेड बाई एच। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, चलिए बहुत अच्छा। अब यहां से ये x तो इस x के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो चलिए, और ये हो गया 2x प्लस एच, तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो इस साइन h बाई एच को एक साथ ले लो, तो ये हो गया साइन h बाई एच इंटू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ये साइन 2x प्लस एच हो गया, तो साइन 2x प्लस एच हो गया। तो साइन एच बाई एच का वैल्यू कितना होता है h टेंडिंग टू जीरो के लिए? अरे x टेंडिंग टू जीरो साइन x बाई एच का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू 1 होने के बाद जब आप h का वैल्यू 0 इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 2x, तो ये आपको मिलेगा साइन 2x। कितना हो गया इसका वैल्यू? साइन 2x के बराबर होगा। ठीक है ना, चलिए तो एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? कि स्क्वायर रूट साइन x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये हम लोग अगला प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अच्छा, स्क्वायर रूट साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना, तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला आप लिखो। तो जो डेरिवेटिव हुआ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। तो ऐसा कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना? तो अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है, तो अगर स्क्वायर रूट दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं। अब देखो, अब ये प्रॉब्लम जो डिफरेंशिएशन का था, अब वो डिफरेंशिएशन किस में कन्वर्ट हो गया? अब वो डिफरेंशिएशन लिमिट में कन्वर्ट हो गया, है ना? अब हमारा एम क्या है कि इस फंक्शन का लिमिट निकालो, ये जो भी एक्सप्रेशन दिया गया उसका लिमिट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो लिमिट के लिए क्या कर सकते हैं?
तो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट साइन एक्स इंटू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच इंटू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। क्या किया आपने, स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, इससे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा क्या होगा, क्या फायदा क्या हुआ इसका, कि ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ से ये हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी और ये a प्लस बी टाइप का हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप पे देखते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच इंटू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। बोलो सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब क्या आपको लग रहा है कि अभी भी ये लिमिट निकल पाया, नहीं निकल पाया। एच टेंडिंग टू जीरो करोगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स फिर से जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर को तो एच पर्याप्त है जीरो बनाने के लिए, तो फिर से ये जीरो बाई जीरो आ रहा है। अब क्या किया जाए यहाँ पर, अब हमें सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए, है ना। तो अब ऐसा देख के तो यही समझ में आ रहा है कि हम यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है ना। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो साइन सी माइनस साइन डी ये होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, याद भी होगा आप लोगों को। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से साइन ये सी है और ये डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, देखते हैं क्या बनता है, कुछ बन पाता है या नहीं बन पाता, देखते हैं आगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन से, तो टू कॉस इसका हो गया वैल्यू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी तो कितना हो गया टू एक्स प्लस एच बाई टू, टू एक्स प्लस एच बाई टू ये हो गया टू 2x प्लस एच बाई टू, ये हो गया 2 कॉस c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो इस x से ये x कैंसिल होके सिंपली h बचेगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा c माइनस डी का वैल्यू h हो जाएगा एंड दिस इज h बाई टू एंड डिवाइडेड बाई h इंटू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा एक फॉर्मूला है जो आपने यूज किया हुआ है, और बाकी लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, अब कैसे आएगा इसका सोल्यूशन, अब थोड़ा थोड़ा हमें दिखने लगा है कि ये कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। देखो ये जो 2 है यहां से, इस 2 को हम यहां h by, इस 2 को नीचे ला सकते हैं, तो h by 2 हो जाएगा, और sin h by 2 और ये h by 2 मिला के क्या बना लेगा, 1 बना लेगा, ठीक है। और ये वाले को बाकी सबको एक साथ रख लो, ठीक है। तो रख के देखते हैं, दो पार्ट में इसको करते हैं। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू इंटू
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब ये पूरे को, अब टू तो नीचे जा चुका है, तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस एच बाई टू, कॉस 2x प्लस एच बाई टू, एंड ये डिनोमिनेटर में सिर्फ ये वाला, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, देखो साइन एच बाई टू और ये टू को लाके एच बाई टू को एक साथ किया गया, अब ये इतना और ये इतना सेकेंड पार्ट में आएगा, तो स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, ये एक साथ आ गया, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल इसका वैल्यू तो देखो वन होता है, ये पूरे का वैल्यू हो जाएगा वन, और अगला वाला लिमिटिंग फॉर्म है भी नहीं, तो सीधा आप h की वैल्यू रख दो, तो जब h का वैल्यू यहाँ जीरो रखोगे तो ये 2x by 2 कितना हो जाएगा, सिंपली x हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या बचेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय, और h को जीरो यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा, इस एच यहाँ जीरो हुआ तो ये sin x हो गया, और ये भी sin x हो गया, तो कितना हो गया, तो स्क्वायर रूट sin x प्लस स्क्वायर रूट sin x, तो कितना हो गया, तो ये हो गया cos x by 2 square root sin x, तो square root sin x का ये differentiation हो गया, तो इसमें कोई समस्या होगी भी नहीं, ठीक है ना। तो इतना मैंने first principle से कराया है, बाकी जो functions हैं कुछ आप लोग करो खुद से, ठीक है ना, बाकी worksheet आपको मिलेगी तो उसको आप लोग try करना, और जो आप लोग नहीं कर पाओगे तो उसको हम लोग फिर से यहाँ पर सॉल्व करके वीडियो के थ्रू आपको सोल्यूशन उसका भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए।